नमस्कार, केकेआर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। चलिए शुरुआत करते हैं। जिला खंडवा पिछड़े और वंचित शोषित हरबोला समाज के लोगों को शासन की योजना का लाभ नहीं मिलने से इस समाज को कई वर्षों से लाभ नहीं मिल पाया। समाज के लोग शिक्षा के लाभ से भी दूर हैं। आज इस समाज को भी शिक्षा का हक नहीं मिल पा रहा है और घुमक्कड़ जाति के प्रमाण पत्र भी नहीं बन पा रहे। प्रमाण पत्र बनाए जावे और MP गवर्नमेंट में लोक सेवा पोर्टल पर पिछड़ा वर्ग जाति की अनुसूची 8 में जाति हरबोला का नाम गलत दर्ज है, जिसमें संशोधन किया जाए। इसको ध्यान में रखकर समाज के कुछ लोगों द्वारा अपने हक सरकार से मांगने के लिए समाज के संगठन का गठन किया है। खंडवा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम बेनपुरा डोंगरी में भी हरबोला समाज के द्वारा सामाजिक संगठन की बैठक का आयोजन शिव मंदिर पर किया गया और ग्राम संगठन बनाया गया। ग्राम बेनपुरा डोंगरी के अध्यक्ष के रूप में राजकुमार मणिधर, उपाध्याय राजा राम, वनखेड़े सचिव अनिल मणिधर, उप सचिव अजय मणिधर, सदस्य सुदामा मनखेड़े और ग्राम पंचायत सरपंच पंचम मणिधर सभी को संगठन का दायित्व मिलने पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी दी गई। जी बताइए, आज ग्राम बेनपुरा डोंगरी के अंतर्गत सामाजिक संगठन हरबोला समाज को लेकर बैठक रखी गई थी, क्या है पूरा मामला? जी सर, ये हरबोला जो समाज है हमारी पिछड़ा वर्ग OBC में आती है और ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो ये भिक्षावर्ती करते हैं। पढ़ते पढ़ते ना इनको नौकरी मिलती है, ना कोई हॉस्टल में इनको जगह मिलती है। कहीं पर भी हम अपना प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र बनवाने जाते हैं तो हमारे को बहुत परेशान किया जाता है। कभी बोलेंगे कलेक्टर पास जाओ, कभी बोलेंगे कि विधायक पास जाओ, कभी बोलेंगे सांसद पास जाओ। तो हम इस बात से बड़ा विचार करते हैं कि हमारी समाज को पीछे क्यों रखा गया। हमारी समाज ने क्या आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी? झांसी वाली रानी के साथ हमारी समाज ने, हरबोला समाज ने पहले आगे होकर टक्कर ली। तो मैं, हमारे विधायक साहब, हमारे सांसद साहब और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हैं महाकाल उज्जैन के, मैं उनसे नम्र निवेदन करना चाहता हूँ, अपनी ओर से भी, अपनी समाज की ओर से भी। आज ये सभी एकत्रित हुए हैं, इसी कारण से एकत्रित हुए हैं कि ये बच्चे बाहर जाते हैं, बाहर पड़े रहते हैं, कहीं खाली जगह मिले तो वहाँ रह जाते हैं, कहीं खेत मिले तो वहाँ रह जाते हैं। तो इसी प्रकार गलत प्रकार की संगतियों का, हाँ, और गलत प्रकार की संगति। वो कमाते भी हैं तो भिक्षावर्ती से जो कमाते हैं, तो अब जब बाप पिएगा तो बेटा भी पिएगा, तो गलत संगत होती है इसी कारण से। तो हमारे माननीय प्रधान मुख्यमंत्री से नम्र निवेदन है कि हमारे जो समाज में आ रहे हैं, समाज को हॉस्टल में जगह मिले। मेरे भी तीन लड़के सरकारी में पढ़ते हैं। घुमक्कड़ समाज के जो बच्चे हैं वो स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। पढ़ते पढ़ते 10वीं 8वीं कर पाते हैं, उसके बाद वो होशियार हो जाते हैं, 15-16 साल के हो जाते हैं, फिर उसके बाद वो भिक्षावर्ती में लग जाते हैं। ठीक है, आपका नाम बता दी। मेरा नाम राजकुमार मणिधर है। कहाँ के निवासी? बेनपुरा कुरवाड़ा के निवासी हैं हम। ठीक। और हमारे गांव में, यहाँ 500,000 गांव की बस्ती है, पर यहाँ पर कोई भी एजुकेशन में कोई नौकरी नहीं है इनको, कोई ना नौकरी है इनको, ना कोई काम धंधा नहीं, कोई रोजगार नहीं है इनके लिए। हाँ।